गुड इवनिंग दोस्तों, सांख्यिकी में आज अपन पढ़ेंगे रिग्रेशन यानी प्रतिगमन। इससे पहले अपने लास्ट टाइम पढ़ा था कोरिलेशन। कोरिलेशन के बाद अपने वो सिलेबस में रिग्रेशन दिया हुआ है और रिग्रेशन ही पढ़ना चाहिए क्योंकि कोरिलेशन पढ़ने के बाद रिग्रेशन आसानी से समझ में आ जाता है। पहले अपने कोरिलेशन पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही अपन रिग्रेशन को समझ सकते हैं। तो देखो, रिग्रेशन जो टॉपिक है उसमें ये मतलब मैथमेटिकल पोर्शन है। इसमें मतलब समीकरण बनेंगे और उसके हिसाब से अपने को क्या क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो रिग्रेशन बेसिक देखते हैं। देखो, प्रतिगमन आपने इसको सॉल्व कर भी लिया होगा, घर पे समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार आप इसको देख लें, कुछ आपको सहयोग मिल जाएगा। प्रतिगमन, देखो प्रतिगमन शब्द का अर्थ होता है वापस लौटना या पीछे आना, वापस लौटना या पीछे आना, गोइंग बैक। तो इसका तो मतलब पेपर के हिसाब से कोई ज़्यादा उचित नहीं है, नहीं पूछेंगे ऐसा कुछ। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है कि प्रतिगमन शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो प्रतिगमन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था सर फ्रांसिस गोल्टन। तो ये आपको याद रखना है कि प्रतिगमन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर फ्रांसिस गोल्टन ने। डेट भी मैंने लिखी है सन 1877। यदि याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये जरूर याद रखना, सर फ्रांसिस गोल्टन। अब देखो, प्रतिगमन क्या होता है? प्रतिगमन होता है दो चरों के मध्य अपन अध्ययन करते हैं उसे कोई प्रतिगमन कहते हैं। तो ये परिभाषा अपन ने कोरिलेशन में पढ़ी थी, उसमें भी क्या थे, दो चर थे, उनके बीच में अपन क्या पता लगा रहे थे, पारस्परिक संबंध का पता लगा रहे थे, और उस पारस्परिक संबंध के अध्ययन को क्या कहते थे, कोरिलेशन। लेकिन वो क्या है, आपस में एक दूसरे से क्या होने चाहिए, संबंध होना चाहिए दो चरों के बीच में, तब भी अपन कोरिलेशन ज्ञात कर सकते थे। उसी प्रकार इसमें भी क्या है, दो चर होंगे, दो चर कौन से होंगे, एक तो होगा आपका एक्स और एक क्या होगा वाई। दो चर मूल्यों एक्स और वाई के बीच रेखीय प्रतिगमन का अध्ययन सरल रेखीय प्रतिगमन कहलाता है, लाइनर रिग्रेशन, सिंपल लाइनर रिग्रेशन कहलाता है। अब अपने पास वेरिएबल कितने हैं, दो, एक तो है एक्स और एक वेरिएबल है वाई। तो देखो, चर दो प्रकार के हो गए, एक्स और वाई। अब देखो, एक होता है, अब हो सकता है इसमें स्वतंत्र चर, एक चर तो होगा स्वतंत्र और एक चर होगा आश्रित, एक चर होगा स्वतंत्र, एक चर होगा आश्रित, यानी एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आ रही है ना, यदि स्वतंत्र चर और आश्रित चर वाली, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अगले अपने एक एग्जाम्पल लेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एक आश्रित क्यों है और एक स्वतंत्र क्यों है। देखिए, अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, फिर मैं आपको आगे भी बताऊंगा एक एग्जाम्पल। ये मान लेते हैं जैसे एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसके 5 साल का अपन अध्ययन करते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें देखो, ये इसकी सेल्स है और ये इसका एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, ये सेल्स है और ये एडवर्टाइजमेंट है। अब दो चर हो गए, ये एक्स मान लेते हैं इसको और इसको मान लेते हैं वाई। तो अपने को दो चर चाहिए, एक एक्स चाहिए और एक वाई चाहिए। अब देखो, सेल्स 500 700 900 1000 और 1200, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट 100 200 300 400 और 500। अब देखो, यहां अपन क्या है, इसको ब्लैंक कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। अब ये देखो, यदि अपन 100 करोड़ का एक्सपेंसेस करते हैं तो अपने कितनी सेल्स होती है, 500 करोड़ की सेल्स होती है, और जैसे जैसे अपन एडवर्टाइजमेंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या अपनी सेल्स बढ़ेगी, तो आपको पता ही है। अब इस 200 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट किया तो सेल्स अपनी बढ़ गई। अब अपन यदि 300 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, 300 करोड़ का विज्ञापन करते हैं, तो अपनी सेल्स कितनी बढ़ेगी, अपनी सेल्स कितनी बढ़ेगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये मान लेते हैं अपन, दूसरा क्वेश्चन अपन ये मान लेते हैं कि 1200 करोड़ की सेल्स करने के लिए अपने को कितना एडवर्टाइजमेंट करना है पांचवें साल। तो देखो, अब ये सेल्स किस पे डिपेंड है, सेल्स किस पे डिपेंड कर रही है, सेल्स किस पे डिपेंड कर रही है, एडवर्टाइजमेंट पे। तो एक डिपेंडेंट होना जरूरी है और एक इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, यानी एक तो ज्ञात चर होगा और एक
अज्ञात चर होगा, यानी x, और या फिर ये कह सकते हैं एक स्वतंत्र चर होगा और एक आश्रित चर होगा। तो ये क्या है, अभी सेल्स किस पे आश्रित है, सेल्स आश्रित है एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है। और यहाँ पे यदि अपन एडवर्टाइजमेंट ज्ञात करना चाहे, यानी वही चर की वैल्यू ज्ञात करना चाहे, तो वही वैल्यू, वही जो चर है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो एक्स पे डिपेंडेंट है, यानी सेल्स पे डिपेंडेंट है। ये एडवर्टाइजमेंट किस पे डिपेंडेंट है, सेल्स पे। तो ये इससे आपको ये पता चल गया होगा कि भी दो चर है, उसमें एक चर तो क्या होगा, स्वतंत्र होगा, और दूसरा क्या होगा, आश्रित होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, स्वतंत्र चर और आश्रित चर, एक्स और वाई में से हो सकता है एक्स स्वतंत्र हो, वाई आश्रित हो, या ये भी हो सकता है वाई स्वतंत्र हो और एक्स आश्रित हो। तो इसमें मैंने दोनों आपको बता दिए, एक्स वाला भी बता दिया और वाई वाला भी बता दिया। अब स्वतंत्र चर और आश्रित चर में जो स्वतंत्र चर है ना, वो आएगा आपका भुजाक्ष पे, एक्स एक्सिस पे आएगा हमेशा। देखो ऐसा क्वेश्चन RSSB संगणक में भी पूछा जा चुका है कि मतलब स्वतंत्र, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था कि अपन इसको कोटि एक्स पे दिखाएंगे या भुजाक्ष पे दिखाएंगे, मेरे को क्वेश्चन तो याद नहीं है, लेकिन इसी मतलब कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि जो स्वतंत्र चर है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको तो भुजाक्ष पे दिखाएंगे यानी एक्स एक्सिस पे, और जो आश्रित चर है ना उसको दिखाएंगे कोटि एक्स पे यानी वाई एक्स पे। स्वतंत्र चर दिखाएंगे भुजाक्ष पे एक्स एक्स पर, और आश्रित चर दिखाएंगे कोटि एक्स पर यानी वाई एक्सिस पर। तो इसको मैंने बढ़ा के भी आपको बताया है यहां पे, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखिए प्रतिपगमन रेखाएं, प्रतिपगमन रेखाएं, नेक्स्ट जो टॉपिक अपना है वो है प्रतिपगमन रेखाएं। तो प्रतिपगमन रेखाएं दो प्रकार से, दो रेखाएं बनेगी इसमें, एक देखो चर है कितने, दो, एक्स और वाई, उसी प्रकार प्रतिपगमन रेखाएं भी बनेगी दो, एक तो होगी एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई का मतलब क्या है, एक्स ऑन वाई में देखो जो एक्स है ना, एक्स एक्स और वाई, देखो यहीं पे इसका निर्धारण करते हैं स्वतंत्र चर कौन सा है और आश्रित चर कौन सा है। रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, तो एक्स तो क्या है, आश्रित है, किस पे आश्रित है, वाई पे, वाई क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। इसी प्रकार देखो रिग्रेशन वाई ऑन एक्स, इसमें वाई क्या है, आश्रित है, और एक्स है वो क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत होना चाहिए कि भाई एक्स वाला एक्स पे आएगा या वाई वाला वाई एक्स पे जाएगा, इसका मतलब नहीं है। रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई दिया होगा ना आपको, रिग्रेशन प्रतिपगमन रेखाओं में दो प्रकार की रेखाएं बनेगी, एक तो बनेगी रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई और दूसरी बनेगी रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। थोड़ा चैप्टर वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको आप बार बार मतलब प्रैक्टिस भी करो, मतलब बुक से स्वयं और समझने की कोशिश करो, तब आपके क्या है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो दो प्रकार की रेखाएं बनेगी, एक तो बनेगी एक्स ऑन वाई और एक बनेगी वाई ऑन एक्स। तो मैंने बताया दो चर होंगे एक्स और वाई, यहाँ पे भी क्या है, दो चर है वाई और एक्स। अब अपने को यह पता लगाना है स्वतंत्र कौन सा है और आश्रित कौन सा है। तो रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई, ऑन वाई का मतलब एक्स किस पर डिपेंड करता है, वाई पर डिपेंड करता है। तो एक्स तो क्या हो गया, आश्रित, और वाई क्या हो गया, स्वतंत्र, ठीक है। इसी प्रकार रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, तो वाई किस पे डिपेंड करता है, एक्स पे डिपेंड करता है, तो वाई तो क्या हो गया, आश्रित, और एक्स क्या हो गया, स्वतंत्र। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो इस प्रकार इसको याद कर लीजिए, जो पहले वाला होगा वो तो होगा आश्रित, और बाद वाला होगा वो क्या होगा, स्वतंत्र। देखो इसमें पहले कौन सा आ रहा है, एक्स, ये तो हो जाएगा आश्रित, और बाद में कौन सा है, ये हो जाएगा स्वतंत्र। इसी में देखो पहले कौन सा आ रहा है, वही, तो ये हो जाएगा आश्रित, और बाद वाला क्या हो जाएगा, स्वतंत्र। बाकी इसको अलग से अपन समझेंगे आगे, ठीक है। तो दो प्रकार की रिग्रेशन लाइन हो गई, एक तो होगी रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई और दूसरी होगी रिग्रेशन वाई ऑन एक्स। तो जो ये एक्स ऑन वाई है ना, रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, ये क्या है, ग्राफ पे यदि इसको अंकित करेंगे तो ये एक ओरिजेंटल आएगी, यानी भुजाक्ष के समानांतर बनती है ये एक्स ऑन वाई। किसके समानांतर बनेगी, भुजाक्ष के समांतर बनेगी ओरिजेंटली, और जो रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स ये बनेगी वर्टिकली, यानी कोटि एक्स के समानांतर। तो इसको ग्राफ पेपर मैंने समझाया है, देखो ये ग्राफ पेपर है, ठीक है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये अपने ग्राफ अंकित कर दिया, अपने कोरिलेशन में सीखा था धनात्मक ग्राफ इस प्रकार बनता है, ठीक है। नहीं आपको यदि याद आ रहा है तो एक बार वो वाला टॉपिक देख लीजिए, उसमें अपने ग्राफ अंकित करना
सीखा था, ठीक है। अब देखो कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों एक ही टॉपिक है, वैसे अलग अलग है, लेकिन कोरिलेशन जिसका सीखा है उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, उसमें ये ग्राफ अपने सीखा था। अब देखो इसके अंदर ये जो अपन रिग्रेशन लाइन एक्स और वाई बढ़ा रहे हैं, ये किसके समानांतर बनेगी, भुजाक्ष के समानांतर। देखो ये इसके समानांतर बन रही है, ये इसके समानांतर बन रही है, ये भी इसके समानांतर बन रही है, एक्स एक्स के समानांतर बन रही है। उसी प्रकार देखो रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स है वो किसके समानांतर बनेगी, कोटि एक्स के समानांतर। देखो ये लाइन इसके समानांतर बन रही है, वाई एक्स के समानांतर, ठीक है। तो इसमें देखो प्रश्न आने वाला यही है कि आपसे ये पूछा जा सकता है सिंपली, यदि अपन इस जो अब तक जो पढ़ा है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि रिग्रेशन शब्द का प्रयोग किसने किया, ठीक है, तो सर फ्रांसिस गोल्टन ने किया था, आपको याद रखना है। दूसरा आपको ये तो अपने को पता ही है कि दो चर मूल्य चाहिए एक्स और वाई, लेकिन अपने ये जरूर याद रखना है कि एक चर होता है स्वतंत्र और दूसरा चर क्या होता है आश्रित होता है। जो स्वतंत्र चर होगा वो तो आएगा एक्स एक्स पे और जो आश्रित चर है वो आएगा कोटि एक्स पे। ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो आपको ये याद रखना है। अब प्रतिविगमन रेखाएं, तो प्रतिविगमन रेखाएं दो बनेगी, एक तो बनेगी रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई और दूसरी बनेगी वाई ऑन एक्स। x on y है वो तो बनेगी horizontally, यानी आपकी ये कोटि x के समान भुजाक्ष के समांतर रहेगी, और y on x ये बनेगी vertically, यानी ये कोटि x के समानांतर, ठीक है। तो आपको इतना ये याद रखना है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं अपन की रिग्रेशन के मतलब कार्य क्या है, इसका महत्व क्या है, प्रतिगमन किस कार्य के लिए मतलब इसका यूज किया जाता है। तो देखो प्रतिगमन का मुख्यतः यूज तो मतलब कोरिलेशन में इसका काम आता है ज्यादातर। तो अगर इसको हम बेसिकली देखना चाहिए तो देखो सबसे प्रथम अपन देखते हैं कि सर्वोपयुक्त अनुमान यानी एप्रोप्रिएट एस्टिमेशन लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है रिग्रेशन का, मतलब एप्रोप्रिएट एस्टिमेशन। देखो वैसे तो पूरा ये जितने भी अपने चैप्टर देखे उसमें सभी में अनुमान ही लगाते हैं, मतलब एस्टिमेशन ही करते हैं, लेकिन रिग्रेशन की सहायता से अपन क्या है अनुमान के थोड़ा नजदीक पहुंच पाते हैं, मतलब एप्रोप्रिएट एस्टिमेशन हो जाता है वो, ठीक है। दूसरा कार्य देखो, दूसरा कार्य है सहसंबंध की दिशा का ज्ञान। रिग्रेशन का मुख्य कार्य क्या है, सहसंबंध की दिशा का ज्ञान। तो ये अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं अपन कोरिलेशन वाले टॉपिक में कि सहसंबंध की दिशा क्या है, एक तो धनात्मक होती है और एक ऋणात्मक होती है। तो उस वाले चैप्टर में अपने पढ़ लिया इसको कि यदि ये बाईं ओर से दाईं ओर यदि इसका मतलब ट्रेवल करती है या मतलब बाईं ओर से दाईं ओर ग्राफ अंकित होती है तो ये हो जाएगा धनात्मक सहसंबंध। तो ये धनात्मक सहसंबंध में ग्राफ इस प्रकार बनेगा आपका बाईं ओर से दाहिनी ओर, ठीक है। और रिग्रेशन कोरिलेशन जो होता है सहसंबंध वो होता है प्लस माइनस एक के बीच वेरी करता है, ये अपन ने पहले कोरिलेशन वाले टॉपिक में पढ़ लिया है। अब देखो इसको कोइनसाइड भी बोलते हैं इंग्लिश में, ये कई बार क्या होता है कि ये अपने को धनात्मक पॉजिटिव मतलब दिशा या नेगेटिव दिशा के क्वेश्चन पूछता है तो अपन ये याद कर लेते हैं कि बाईं ओर से दाहिनी ओर जो ग्राफ बनेगा वो क्या है धनात्मक है, लेकिन कई बार क्या देता है वो बाईं ओर से दाहिनी ओर नहीं देता है बल्कि कोइनसाइड वर्ड यूज कर लेता है इंग्लिश का। तो ये ऐसा वर्ड यूज किया हुआ है पहले भी ये अपने जो SSC के एग्जाम में ये कोइनसाइड वर्ड यूज किया था, तो उसमें क्या है कि पूरा प्रश्न फिर समझ में नहीं आता है। तो आपको ये साथ साथ ये वर्ड भी याद रखना है इसको कोइनसाइड। तो जितने भी मैंने ये लिखे हैं वो सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं सारी चीज़ें, मैंने मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो जिस जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुए हुए हैं और शॉर्ट में बता रहा हूँ निकाल के किताब से कि भाई ये चीज़ें अपने एग्जाम के हिसाब से बेटर। बाकी ये टॉपिक तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें आप पढ़ोगे ना तो आपको मतलब पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ मतलब अपने को याद करनी है एग्जाम के हिसाब से। तो मैंने वही चीज़ निकाली है, वही चीज़ इस बोर्ड पे लिखी है जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से अपने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कोइनसाइड बोलते हैं इसको कोइनसाइड, ठीक है। ये इसी प्रकार ऋणात्मक, ऋणात्मक में क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा दाहिनी ओर से बाईं ओर, तो इसका ग्राफ इस प्रकार अंकित होगा। ये ग्राफ अपन पहले पढ़ चुके हैं कोरिलेशन में तो आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये दाहिनी ओर से बाईं ओर और इसका कोरिलेशन का वेरी करता है प्लस माइनस एक के बीच में, इसको भी बोलते हैं कोइनसाइड, ठीक है। तो इसका यूज क्या हुआ रिग्रेशन का, ये सहसंबंध की दिशा बताती है कि धनात्मक सहसंबंध है या ऋणात्मक सहसंबंध है, ठीक है। तीसरा है सहसंबंध का अभाव, सहसंबंध का अभाव, तो सहसंबंध का अभाव वहां होता है जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है। देखो इस प्रकार ग्राफ अंकित होगा, इसमें ये एक्स है ये मान लीजिए वाई है, तो ये दोनों क्या है इसको समकोण पर काटेगी 90 डिग्री के कोण पे। तो जहां 90 डिग्री के कोण पे काटेगी एक दूसरे को वहां क्या हो जाएगा सहसंबंध का अभाव, यानी एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, वहां कोरिलेशन नहीं होगा। तो ये मतलब
अपने पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है कहाँ, मतलब सह संबंध का भाव होगा तो आपको याद रखना है जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे काटती है वो क्या हो जाएगा, सह संबंध का अभाव, इसको बोलते हैं प्रीपेंडिकुलर, प्रीपेंडिकुलर। तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं, कोइनसाइड और प्रीपेंडिकुलर। इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत नहीं है, जो हिंदी मीडियम की विद्यार्थी है उनको दिक्कत आ सकती है यदि ये वर्ड यूज हो गए ना मतलब पेपर के अंदर डायरेक्ट। सांख्यिकी क्या है कि मूलतः आप इंग्लिश में मिलेगी आपको, हिंदी में इसका अनुवाद किया हुआ है, किया गया है बाद में, जितनी भी आपको बुक्स मिलेगी या राइटर की जो बुक मिलेगी वो सारी अंग्रेजी मिलेगी, ठीक है। एक राइटर की बुक है वो केएल नगर वाले जो हिंदी में, वो भी क्या अनुवाद है, तो पेपर बनाने वाले इंग्लिश का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ऐसा पहले भी हो चुका है एसएससी के एग्जाम में, तो आपको ये वर्ड याद रखने हैं, ये वर्ड वही है जो पहले यूज किए जा चुके हैं, ठीक है। ये तो इसका मूलतः जो काम हो गया वो सहसंबंध की दिशा का ज्ञान। दूसरा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सीमित सहसंबंध, इसके अपने कार्य ही पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा क्या है रिग्रेशन सहसंबंध के बारे में बताएगा अपने को, क्योंकि दोनों टॉपिक वैसे एक ही है। तो सीमित सहसंबंध क्या होता है, जब दो प्रतिगमन रेखाएं, अब अपन जो सहसंबंध पढ़ रहे हैं वो रिग्रेशन के कौन संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि रिग्रेशन का क्या यूज है मतलब सहसंबंध में। तो देखो दो प्रतिगमन रेखाएं जितनी निकट होगी उतना ही सहसंबंध क्या होगा, ज्यादा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। दो प्रतिगमन रेखाएं जितनी निकट होगी उतना ही सहसंबंध क्या होगा, ज्यादा होगा, और दो प्रतिगमन रेखाएं जितनी दूर होगी आप एक दूसरे से उतना क्या होगा, सहसंबंध कम होगा, ठीक है। तो देखो इसको ग्राफ पे अपन अंकित करते हैं, देखो ये दो मान लीजिए दो रेखाएं हैं, एक एक्स है एक वाई है, और इनके बीच में जितना मतलब ये जितनी निकट होगी ना उतना तो सहसंबंध क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये देखो यहाँ पे इसके बीच डिफरेंस ज्यादा आ रहा है ना, मतलब ये दूर है, तो फिर क्या हो जाएगा, सहसंबंध कम हो जाएगा, मतलब उतना कम हो जाएगा। तो ये आप इस डायग्राम को अपने मतलब ध्यान से देख लीजिए, ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम आएगा। तो ये सारी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, आप जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक प्रश्न आप सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो ये हो गया सहसंबंध के बारे में। अब देखो ये हो गया सारा मतलब जो रिग्रेशन, अपन ने अब तक जो बेसिक जो चीज़ें जो मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन है वो अपने पढ़ लिए, अब अपन पढ़ेंगे मतलब प्रैक्टिकल पोर्शन। अब अपन ज्ञात करेंगे उसको कि दो प्रतिगमन रेखाओं का आंकलन किस प्रकार किया जाएगा, उसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो मुख्यतः प्रतिगमन रेखाओं की रचना की दो विधियाँ हैं, दो रीतियाँ हैं, एक तो है फ्री हैंड मेथड। भाई फ्री हैंड मेथड, इसमें अपन क्या ग्राफिकल पेपर पे प्रदर्शित करके पता लगाएंगे। और दूसरा है रिग्रेशन इक्वेशन, ये अपने एग्जाम में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनेंगे वो इसी टॉपिक से बनेंगे, बाई रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन के अपने जो दो रीतियां पढ़ी है, एक तो फ्री एंड करो मेथड और दूसरा है ये रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है। तो रिग्रेशन इक्वेशन से पहले अपने को अपने देखते हैं कि रिग्रेशन इक्वेशन बनता कैसे, यानी प्रतिगमन समीकरण बनता कैसे। तो देखो इसमें दो प्रकार के इक्वेशन बनता है, पहला इक्वेशन बनेगा प्रतिगमन समीकरण, वो दो प्रकार दो समीकरण बनेंगे, एक बनेगा इक्वेशन एक्स ऑन वाई, ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया है एक्स ऑन वाई, और दूसरा बनेगा रिग्रेशन वाई ऑन एक्स। अब देखो ठीक है, अब एक्स क्या है पहले भी बता चुके हैं फिर बता देते हैं, एक्स है इसमें आश्रित और वाई क्या है स्वतंत्र, इसी प्रकार इसमें वाई क्या है आश्रित और एक्स क्या है स्वतंत्र, ठीक है। ये दो प्रकार के इक्वेशन हो गए। अब इक्वेशन यदि एक्स ऑन वाई, इक्वेशन एक्स ऑन वाई का समीकरण बनेगा एक्स बराबर ए प्लस बी वाई, ठीक है, और इक्वेशन वाई ऑन एक्स का समीकरण बनेगा एक्स बराबर ए प्लस बी एक्स। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, रटने ही पड़ेंगे, और इनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एक्स ऑन वाई का तो बनेगा एक्स बराबर ए प्लस बी वाई, और वाई ऑन एक्स का बनेगा एक्स बराबर ए प्लस बी एक्स। देखो अब मैं आपको बता देता हूँ चेंज क्या हुआ है, एक्स में तो यहाँ पे वाई आ गया, और x का निकालते हैं तो यहाँ पे सॉरी x ऑन y में तो यहाँ पे y आ गया और y ऑन x में यहाँ पे x आ गया, ठीक है। इतना आपको मतलब इसको पहचानने में या लिखने में याद करने में आपको आसानी हो सकती है, यदि x ऑन y बनाएंगे तो y यहाँ पे आ जाएगा और y ऑन x बनाएंगे तो x यहाँ पे आ जाएगा, इसका रिवर्स है याद करने के लिए दृष्टि से वैसे नहीं, ठीक है। अब देखो इस समीकरण में दो चीज़ें कॉमन है, दो चीजें कौन सी कॉमन है, एक तो है a
और एक है बी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ कब आया हुआ है, आर एस एम एस एस बी जो संगणक का पेपर हुआ था ना, वहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है ये। इस प्रकार उन्होंने एक समीकरण दिया था, इसी प्रकार का कोई समीकरण दिया था, उन्होंने इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था कंप्यूटर के अंदर कि x बराबर ए प्लस बी वाई, इसमें ये ए क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, ए क्या है ये, ठीक है। तो अपन जो भी पढ़ रहे हैं वो सारा एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और आपको वही बताया जाएगा जो इंपॉर्टेंट है, बाकी टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। टाइम वेस्ट करने के लिए किताबें हैं, आराम से पढ़ो, उसमें खूब दिया हुआ है मैटर, थ्योरी भी दी हुई है, बड़े बड़े पेरे दिए हुए हैं, ठीक है। अपन जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अब देखो ए और बी, इसमें से 100% क्वेश्चन आता है, रिग्रेशन का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो इसमें से पूछा जाता है, यदि टफ क्वेश्चन बनता है ना, तो इसमें देखो ए और बी। तो ए क्या है, ये ए और बी का मतलब हो गया इस साइड तो ए है और इस साइड क्या है बी, तो ए की विशेषता मैं इधर लिखूंगा, बी की विशेषता उधर लिखूंगा, ठीक है। तो एक क्या है, एक वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एक्स बराबर ए प्लस बी वाई और आपको पूछ लेता है ए निम्नलिखित में से क्या है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा वाई इंटरसेप्ट, दो नंबर ऑप्शन मिलेगा स्लोप ऑफ लाइन, तीन नंबर कुछ भी मिल सकता है, तो आपको टिक क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट। तो ए क्या है, वाई इंटरसेप्ट है जिस पर प्रतिबिंबन रेखा कोटि एक्स वाई एक्स को स्पर्श करती है, जिस पर प्रतिबिंबन रेखा कोटि एक्स यानी वाई एक्स को स्पर्श करती है वो है ए। बी क्या है, फिर बी क्या है, बी प्रतिबिंबन रेखा का ढाल है, ढाल का मतलब क्या हो गया स्लोप, स्लोप को ढाल तो बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। यदि एक इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए बी क्या है, तो बी आपका क्या है स्लोप ऑफ लाइन, और ए क्या है वाई इंटरसेप्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है संगणक के पेपर में, आप पेपर उठा के देख सकते हो कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दो नंबर विशेषता, यदि ए का मूल्य धनात्मक है तो रेखा, कौन सी रेखा, रिग्रेशन रेखा वाई एक्स को जीरो से ऊपर स्पर्श करेगी, कहां स्पर्श करेगी जीरो से ऊपर, कब करेगी, जब मूल्य क्या है धनात्मक है, ए का मूल्य, यदि ए का मूल्य क्या है धनात्मक है, ए का मूल्य यदि धनात्मक है तो रेखा वाई एक्स को कहां स्पर्श करेगी, जीरो से ऊपर, जीरो से ऊपर स्पर्श करेगी, यदि ए का मूल्य धनात्मक है तो वाई, तो रेखा वाई एक्स पर वाई एक्स को जीरो से ऊपर स्पर्श करेगी, यदि ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक है तो वाई एक्स पर जीरो से नीचे स्पर्श करेगी, और यदि ये शून्य है, ए का मूल्य क्या है शून्य है, एक बार यहां देख लेते हैं, एक मिनट यहां पर स्पर्श का थोड़ा अभाव है, यहां देख लीजिए, यदि धनात्मक है ना ये, यदि ए का मूल्य है तो वाई एक्स पर क्या जीरो से ऊपर स्पर्श करेगी, ठीक है, और यदि ये ऋणात्मक है तो ये जीरो से नीचे स्पर्श करेगी, और यदि क्या ये शून्य है तो ये मूल बिंदु से स्पर्श करेगी, मूल बिंदु से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो पूछे हुए हैं दोनों, अब यदि रिपीट नहीं होते हैं क्वेश्चन तो फिर कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये पूछ सकता है कि यदि ए का मूल्य धनात्मक है तो प्रतिबिंबन रेखा है वो वाई एक्स को कहां पे स्पर्श करेगी, मतलब तो जीरो से ऊपर स्पर्श करेगी, ठीक है। यदि ए का मूल्य ऋणात्मक है तो वाई एक्स पे ये जीरो से नीचे स्पर्श करेगी, और यदि ए का मूल्य शून्य है तो ये मूल बिंदु उससे स्पर्श करेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसकी एक विशेषता और, वाई जो बी है ना, बी इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशियंट, बी को क्या बोलेंगे, रिग्रेशन कोफिशियंट। अब रिग्रेशन कोफिशियंट क्या होता है ये अपन पढ़ेंगे आगे, जब इक्वेशन बनाएंगे ना तब आपको आएगा ये कि कोफिशियंट क्या होता है, उसमें मैं आपको बता दूंगा। एक बार तो आप याद करने के लिए देख लो कि बी को क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोफिशियंट बोलते हैं, और बी को समांतर माध्य प्रमाप विचलन और कोरिलेशन के रूप में प्रकट किया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है, प्रमाप विचलन समांतर माध्य और सॉरी प्रमाप विचलन सहसंबंध और समांतर माध्य के रूप में प्रकट किया जाता है, मतलब दिखाया प्रदर्शित किया जाता है। तो ये अपन जो समीकरण बनाएंगे उसकी जो बेसिक जो चीजें है ना, मतलब
वो आपको एक बार पूरा बता दिया है, और ये आपको आगे अपन जैसे शुरू करेंगे टॉपिक रिग्रेशन इक्वेशन, तो आपको ये पूरा याद होना जरूरी है ताकि फिर अपन आगे बढ़ पाएंगे। अब यहाँ से अपना न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा, तो अब अपन इक्वेशन बनाना सीखेंगे कि इक्वेशन बनेगा कैसे। अब तक आपने ये वर्ड सुना होगा एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, और आपको मेरे को पूर्ण विश्वास है कि अब तक समझ में नहीं आया होगा। तो अब अपन इसको समझेंगे। देखिए समीकरण बनेंगे दो, एक तो बनेगा एक्स ऑन वाई और एक बनेगा वाई ऑन एक्स। तो देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले अपने इसको एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे तब अपने समझ में आएगा। पहले भी मैंने आपको समझाया था, अब दोबारा समझा रहा हूँ। ये रहे एक दो तीन चार, ठीक है। अब एक मान लेते हैं वेरिएबल एक्स है, एक मान लेते हैं वेरिएबल वाई है। एक्स को अपन ये मान लेते हैं एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि अपन कोई कंपनी का उदाहरण ले रहे हैं। इसमें एक्स क्या है एडवर्टाइजमेंट, और वाई क्या है इसमें सेल्स है, ठीक है। अब देखो यदि अपन इतना एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो अपनी सेल्स इतनी हो जाती है, इतने एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो सेल्स इतनी होती है। जैसे एडवर्टाइजमेंट कम हो रहा है वैसे वैसे सेल्स अपनी क्या है घट रही है, ठीक है। बढ़ा दिया तो बढ़ गई। अब ये कंपनी ये जानना चाहती है कि अपन यदि 125 करोड़ एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो अपना सेल्स कितनी होगी। यदि 125 करोड़ एडवर्टाइजमेंट करती है तो सेल्स कितनी होगी। और दूसरा ये जानना चाहती है कि यदि सेल्स 600 करोड़ करनी है तो कितना एडवर्टाइजमेंट करें, ठीक है। तो अब देखो अपनी इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले अपन इसको ले लेते हैं। यहां देखो सेल्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सेल्स डिपेंडेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट। सेल्स किस पे डिपेंड कर रही है, एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड कर रही है। एडवर्टाइजमेंट करोगे तो ही सेल्स होगी, ज्यादा करोगे ज्यादा हो जाएगी, कम सेल्स करोगे तो कम हो जाएगी। तो सेल्स क्या है, सेल्स आपका वाई है। डिपेंडेंट को अपन लिख लेते हैं एक बार ऑन, और एडवर्टाइजमेंट क्या है आपका एक्स, एक्स। तो ये क्या हो गया वाई ऑन एक्स, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ना वाई ऑन एक्स, ठीक है वाई ऑन एक्स, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला, y माइनस वाई बार बराबर बी वाई एक्स कोष्टक एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। सेल्स y डिपेंडेंट का ऑन कर दिया अपन ने, और एडवर्टाइजमेंट क्या है अपना x, तो ये क्या हो गया y ऑन x। तो y ऑन x का फॉर्मूला क्या हो गया y माइनस वाई बार बराबर बी वाई एक्स कोष्टक एक्स माइनस एक्स बार। अब बी वाई एक्स क्या है, बी वाई एक्स है रिग्रेशन ऑफ कोफिशियंट, जो मैं एक बार वर्ड आया था ना पीछे वो है ये रिग्रेशन ऑफ कोफिशियंट, इसको अपन बाद में समझेंगे। इसी प्रकार अपन ये लेते हैं ये वाला, यहाँ क्या है यहाँ एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट डिपेंड ऑन सेल्स। एडवर्टाइजमेंट किस पे डिपेंड करता है, सेल्स पे करता है। यदि आपने आपकी सेल्स ज़्यादा हो रही है तो आपको एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है आपका, एडवर्टाइजमेंट आपका एक्स है, डिपेंड को कर देते हैं ऑन, और सेल्स क्या है आपका, सेल्स है वाई। तो इक्वेशन क्या बना आपका एक्स ऑन वाई, ठीक है। अब देखो एक्स ऑन वाई तो एक्स माइनस एक्स बार बराबर बी एक्स वाई बराबर वाई माइनस वाई बार। ये क्या है बी एक्स वाई, ये क्या है रिग्रेशन कोफिशिएंट है। अब ये दोनों समीकरण आपको याद करने पड़ेंगे, इसका और कोई विकल्प नहीं है, या तो आप रट लो इसको, यदि इसको समझना चाहो तो समझ लो, ठीक है। समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको सहायता कर देता हूँ। देखो वाई ऑन एक्स है तो वाई पहले आ रहा है ना, तो ये वाई माइनस वाई बार पहले आएगा, एक्स बाद में आ रहा है तो एक्स माइनस एक्स बार आएगा बाद में, ठीक है। और ये आपको याद करना है बी वाई एक्स, ठीक है। और इसी प्रकार देखो ये एक्स ऑन वाई है ना, तो एक्स एक्स वाला पहले आएगा, और वाई है तो वाई वाला बाद में आएगा। ये आपको देखो ये बी वाई एक्स है, ये बी एक्स वाई कर लो इसमें, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले, अब ये जो अपना फॉर्मूला है ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब देखो एक्स बार का क्या फॉर्मूला होता है,
इस समीकरण को अपन आगे और देखते हैं, मतलब एक्स बार आए हैं तो एक्स बार का फॉर्मूला देखो क्या है। एक्स बार का फॉर्मूला आपको पता है सिग्मा एक्स बट्टा एन। इसी प्रकार वाई बार का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा वाई बट्टा एन। ठीक है, अब देखो बी एक्स वाई, बी एक्स वाई का क्या फॉर्मूला है, बी एक्स वाई का फॉर्मूला है आर बराबर परमाप एक्स बट्टे परमाप वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन अपन पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको आना चाहिए और कोरिलेशन भी आना चाहिए, तभी आप रिग्रेशन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसी प्रकार देखो बी वाई एक्स, बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है, आर बराबर परमाप वाई बट्टे परमाप एक्स। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, यदि ये फॉर्मूले आपके याद हो जाते हैं तो फिर अपन फिर स्टार्ट करेंगे कल न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज के लिए आप इतना इसको मतलब मेमोराइज करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है इसके बावजूद भी तो आप कमेंट में डालें, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अब आप हमें फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। तो आपको अगर जूनियर अकाउंटेंट की और अच्छे से तैयारी करनी और पूरा सिलेबस करना है तो प्लीज़ हमें अनअकैडमी पे ज्वाइन कर लीजिए। सर्च कीजिए गोविंद राम सैनी के नाम से और फॉलो जरूर कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाए।